दोस्तों सबसे पहले आपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं, माताएं, बहनें, भाई बहन जो भी हैं, उनको रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आया हूं। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा का ऐलान किया गया है। योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अपने पूरे प्रदेश भर में अगर महिला कहीं पर भी सरकारी बस से यात्रा करती है तो उसे फ्री में, कोई भी पैसा नहीं देना है, फ्री में यात्रा कर सकती है। ये टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, कब तक ये लागू किया गया है और कैसे इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि उनके क्षेत्र की, उनके प्रदेश की जो भी महिलाएं हैं वो अपने घर पर जाएं और अपने भाइयों के रक्षाबंधन का जो त्यौहार है और उनके साथ आसानी से मना सके। तो इसमें सबसे बड़ा अपडेट उत्तर प्रदेश ने ये दिया है कि अगर आप उत्तर प्रदेश परिवहन से प्रदेश भर में कहीं भी यात्रा करते हैं तो आपको महिलाओं को केवल कोई भी यहाँ शुल्क नहीं देना होगा, फ्री में यात्रा कर पाएंगी। तो लेकिन कुछ लिमिटेशन रखी गई हैं, टाइम ड्यूरेशन रखा गया है और कैसे इसका लाभ उठाएंगे उसका भी डिटेल आज हम बताएंगे। तो बने स्टूडियो में लगातार, मैं हूं पवन झागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। तो चलो दोस्तों, पूरा डिटेल जानने के लिए मैं उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट पर आपको ले चलता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, 28 अगस्त को गवर्नमेंट ऑफ यूपी के ट्विटर हैंडल अकाउंट पर ये न्यूज डाली गई है। रक्षाबंधन पर मात्र शक्त को मिलेगी निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा। UPSRTCHQ की बसों में 29 अगस्त की रात्रि 12 बजे से 31 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक निःशुल्क बस यात्रा कर सकेंगी प्रदेश की बेटियां। तो दोस्तों यहां पर जो टाइम निर्धारित किया गया है 29 अगस्त, यानी कि आज हालांकि 30 है लेकिन 29 अगस्त 12 बजे से लेकर के 31 अगस्त की 12 बजे रात्र तक निःशुल्क यात्रा प्रदेश भर में कहीं भी महिलाएं कर पाएंगी। तो आज का मतलब 30 तारीख है, आज पूरे दिन यात्रा मुफ्त में चलेगी। अगर आप कहीं भी यात्रा करना चाहते हैं, तो आप अपने घर जाना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं महिलाएं उत्तर प्रदेश भर में, तो आज बिल्कुल दिन भर और रात भर फ्री है। कल भी दिन में फ्री रहेगा और अगर रात की बात करें, अगर आप रात में भी जाते हैं तो रात में 12 बजे तक इस लाभ का आप लाभ उठा सकते हैं, इस घोषणा का। तो ये पूरी डिटेल थी। अब सबसे बड़ा डाउट ये है कि कैसे वहाँ पर चेक करेंगे जो भी कंडक्टर होता है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी। इसके लिए आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पास अपना आधार कार्ड जरूर रखें, क्योंकि कैसे डिसाइड होगा, बस में आप चढ़ गए, कैसे पता चलेगा आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या बाहर कहीं के हैं। तो इसलिए आप आधार कार्ड अपना रखेंगे तो उस पर एड्रेस लिखा होता है, तो वहाँ पर आप दिखाएंगे अपना आधार कार्ड, आपसे वो यहाँ पर सत्यापित कर लेगा कि आप उत्तर प्रदेश के हैं और इसके बाद आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। हाँ, ध्यान ये भी रखना है, अगर आपके साथ कोई पुरुष वर्ग है तो उसका किराया आपको देना होगा, केवल महिलाओं का यहाँ पर किराए में छूट दी गई, मतलब निःशुल्क किया गया है। तो ये अपडेट था। तो अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो आधार कार्ड अपने साथ में जरूर लेकर जाएं, इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपके एड्रेस का प्रूफ होना चाहिए आपके पास कि आप उत्तर प्रदेश के हैं, तभी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। वीडियो या जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दें उन सभी माताओं बहनों के लिए जो भी मुफ्त में यात्रा कर रही हैं और उनको ये इसका लाभ मिल सके। तो प्लीज अगर अभी तक आपने हेल्प इंडिया को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।